हेलो एवरीबॉडी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है भाई ट्रिपल सी की एक और जानदार और शानदार क्लास के अंदर। बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस केएलसी के जितनी भी शॉर्टकट के हैं ना उनको हम पढ़ने वाले हैं। हमने लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के सभी शॉर्टकट की क्या है खत्म कर ली है। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, लिब्रे ऑफिस केएलसी की शॉर्टकट की पढ़ने वाले। तो सभी बच्चे फटाफट लाइव आ जाओ भाई। सोनपाल भाई लाइव आ चुका है, कह रहा हेलो सर। हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकिता कह रही हेलो सर। हेलो बेटा। नैनो कह रही हेलो सर। हेलो बेटा। अभिषेक कह रहा है हेलो सर। तो आप सभी का क्या भाई बहुत बहुत स्वागत है। और चलो भाई बिना किसी देरी की क्या है क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद में एक क्लास और बची है हमारी लिब्रे ऑफिस से केएलसी के जितने भी फॉर्मूले हैं उसकी भी क्या हम क्लास देखने वाली है। तो फटाफट इस क्लास को क्या हमें पूरा करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है बहुत ही कम है और क्लास अभी भी दो क्या है बाकी है भाई। तो ये रही भाई आपकी पहली शॉर्टकट की। देखो लिब्रे ऑफिस राइटर और जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैंने आपको जो कॉमन यहाँ पे शॉर्टकट किया ना वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि देखो राइटर के अंदर कुछ ऐसा लगभग सभी शॉर्टकट की यहाँ पे क्या है कॉमन होती है, जो यहाँ पे अलग प्रकार शॉर्टकट की है ना उनको क्या है हम यहाँ पे देखने वाले है भाई। प्रिया कह रही हेलो सर। हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीएस क्लासेस करे हेलो सर। हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सभी बच्चे मुझे बता दो कि भैया लिब्रे ऑफिस केएलसी की बात करेंगे, भैया लिब्रे ऑफिस केएलसी के अंदर ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस केएलसी के अंदर ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आकांक्षा कह रही है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी बच्चे मुझे आंसर करो यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस केएलसी के अंदर ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की यहां पे क्या होती है भाई। संध्या कह रही है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सभी बच्चे आंसर करो भाई। सोनपाल भाई ने यहां पे क्या सबसे पहले जवाब दे दिया है कंट्रोल प्लस ए शिफ्ट प्लस ए स्पेस बार। आकाश कह रहे हेलो सर। हेलो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो यहां पे देखो सोनपाल भाई ने क्या बिल्कुल यहां पे क्या सही जवाब दिया भाई। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होगी। क्या होगी भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार इसकी क्या होगी यहां पे राइट आंसर होगा भैया। यहां पे देखो ध्यान रखना दो शॉर्टकट की होती है, यहां पे आप क्या है कंट्रोल ए से भी क्या है ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी क्या है ध्यान में रखना ना। इन दोनों से हम क्या है किसी भी सीट को यहां पे ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों शॉर्टकट की यहां पे क्या है काम ले सकते हो। यहां पे कई बार क्या है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, वहां पे आपको क्या है कंट्रोल ए का ऑप्शन नहीं मिलता है, वहां आपको आप क्या क्या मिलता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार वहां पे आपको क्या है ऑप्शन मिलता है। तो यहां पे आगे देखो अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे सेलेक्ट द रो, यानी आपको क्या है किसी रो को सेलेक्ट करना है। जैसे कोई सीट है आपकी, मान लो ये आपकी क्या है सीट है, आपने कोई सीट बना रखी है भाई लिब्रे ऑफिस के अंदर, तो भैया ये क्या है इसके कॉलम और रो हो गए। अब यहां पे क्या करना पूरी सीट को सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है, जबकि आपको क्या है यहां पे केवल एक यहां पे आपको अगर रो सेलेक्ट करनी है तो सभी बच्चे मुझे बता दो कि एक रो को सेलेक्ट करने की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी। वंदना ने यहां पे जवाब दिया शिफ्ट प्लस स्पेस बार। सोनपाल भाई ने यहां पे जवाब दिया शिफ्ट प्लस स्पेस बार। आकाश कह रहे राम राम सर जी, राम राम आप सभी का भाई। केशव चौधरी ने यहाँ पे शिफ्ट प्लस क्या है स्पेस बार जवाब दिया भाई। यहाँ पे देखो सही आंसर क्या होगा भाई, शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हमें यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे। जैसे आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करोगे तो जिस भैया जिस रो के अंदर आपका यहाँ पे क्या होगा जिस रो की किसी सेल के अंदर आपका कर्सर होगा ना वो पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी सेलेक्ट हो जाएगी। अगला यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि बता दीजिए किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी आपको किसी कॉलम को यहाँ पे क्या है सेलेक्ट करना है तो उस कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे आंसर करो भाई, कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सोनपाल भाई ने यहाँ पे जवाब दिया है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। केशव चौधरी ने यहाँ पे जवाब दिया है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो यहाँ पे देखो सभी बच्चों का क्या बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, तो भाई इसकी शॉर्टकट यहाँ पे क्या होगी कंट्रोल प्लस स्पेस बार होगी। क्या होगी भाई कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
ये भी ध्यान में रख लेना। बाद में है अगला है सिलेक्ट डेटा एरिया। भैया सिलेक्ट डेटा एरिया को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी? भैया डेटा एरिया का मतलब है यहां पे मान लो आपकी सीट है, सीट को दोबारा बना लेते हैं थोड़े। अब आपने यहां पे क्या किया भाई, कुछ यहां पे डेटा ले रखा आपने, मान लो यहां पे कुछ सेल के अंदर डेटा ले रखा है, इस जिस सेल के अंदर आपने डेटा ले रखा है ना उस सेल को ही सिलेक्ट करना है। सब कुछ आपकी बार एक साथ सिलेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है जितना आपने यहां पे डेटा ले रखा है ना केवल उन्हीं सेलों को आपको क्या है यहां पे सिलेक्ट करना है। तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? यहाँ पे सोनपाल भाई ने सबसे पहले यहां पे जवाब दिया है कंट्रोल के साथ में एस्ट्रिक बटन यूज करेंगे भाई। सभी बच्चे आंसर करो यहां पे। तो यहां पे देखो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, सोनपाल भाई ने बिल्कुल यहां पे सही जवाब दिया है, राहुल ने भी क्या बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या यूज करेंगे यहां पे? कंट्रोल के साथ में हम एस्ट्रिक बटन का यूज करेंगे भाई। इसको हम क्या कहते हैं यहां पे? एस्ट्रिक बटन कहते हैं, ये ध्यान में रखना। एस्ट्रिक बटन जो आपका स्टार का साइन होता है ना, जिसे हम क्या है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे होगा कंट्रोल के साथ में एस्ट्रिक। जैसे आप कंट्रोल के साथ में एस्ट्रिक यूज करेंगे तो इसमें से केवल उतना ही डेटा सिलेक्ट होगा जितना आपने क्या है डेटा यहां पे डाल रखा है, केवल वही यहां पे क्या होगा सिलेक्ट होगा। आगे देखो भाई अगला है, यहां पे आपको बताना है वैल्यू हाईलाइट की शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि भैया वैल्यू हाईलाइट की शॉर्टकट की क्या होगी, फटाफट सभी बच्चे जवाब करो भाई। वैल्यू हाईलाइट की शॉर्टकट की क्या होगी? वैल्यू हाईलाइट क्या होता है भाई, आपको बता देता हूं। वैल्यू हाईलाइट का मतलब होता है जहां पे आपने फॉर्मूला डाल रखा है ना, जिस सेल के अंदर आपका फॉर्मूला है ना, वो तो क्या भाई फॉर्मूला तो ग्रीन दिखाई देगा आपको। फॉर्मूले के जितने भी जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, जबकि आपके वहां पे उस सीट के अंदर जो भी वहां पे आपने नंबर डाल रखा है ना, वो नंबर आपको क्या है ब्लू कलर के अंदर दिखाई देंगे भाई। और यहां पे जो भी आपने टेक्स्ट डाल रखा है ना, वो यहां पे क्या है ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो आपको बताना है वैल्यू हाईलाइट की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी। अंकिता ने यहाँ पे शिफ्ट प्लस F8 जवाब दिया है, सोनपाल भाई ने शिफ्ट प्लस F8 जवाब दिया है, प्रिया ने यहाँ पे शिफ्ट प्लस F8 जवाब दिया है। वंदना करे सर आई डोंट नाउ सर, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी भाई, अभी तक किसी बच्चे का सही आया नहीं है भाई। राहुल ने यहाँ पे क्या बिल्कुल सही जवाब दिया, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी भाई, यहाँ पे कंट्रोल प्लस F8 होगी। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F8 क्या होगी, इसकी शॉर्टकट की होने वाली है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते भाई, अगला है हमारा आपको बताना है 100 फॉर्मूला। आगे सभी बच्चे बताएंगे कि भैया 100 फॉर्मूला की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे कि 100 फॉर्मूला की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी यहां पे आपको क्या दिखाई देगा कि किस सेल के अंदर आपने फॉर्मूला लगा रखा है, वो आपको क्या है वहां पे फॉर्मूला दिखाई देगा कि भैया आपने किस सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है। तो इसका सभी बच्चे आंसर करेंगे यहां पे। आकाश कह रहा है सॉरी सर आई डोंट नो, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आता तो मैं तो बताने वाला हूं, जिनको आ रहा है ना वो क्या कर दो यहां पर आंसर कर दो भाई। सभी बच्चे आंसर करो, देखते हैं आप में से कौन बच्चा है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाता है भाई। मैंने यहां पे F8 जवाब दिया, वंदना ने यहां पे F2 आंसर किया है, राहुल ने यहां पे क्या है बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। किसका यूज करेंगे हम यहां पे? कंट्रोल के साथ में हम यहां पे एपोस्ट्रोफ बटन का यूज करेंगे, यानी इस प्रकार से क्या है एक छोटा सा चिन्ह होता है जो आपको कहां पे मिलेगा, जो आपका एस्केप बटन होता है ना उसके नीचे एक बटन होता है, वहां पे क्या है एक छोटा सा ऊपर वाला कोमा दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफ। क्या कहते हैं बेटा इसे? हम एपोस्ट्रोफ कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफ चिन्ह कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है, सिलेक्ट रो की शॉर्टकट की यहां पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार होती है, सिलेक्ट कॉलम की शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार होती है, और सिलेक्ट ऑल डाटा जितना आपने क्या है डेटा एरिया लिख रखा है उसको सिलेक्ट करने की कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक बटन होता है, वैल्यू हाईलाइट की शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल प्लस F8 होती है, और 100 फॉर्मूला की यहां पे शॉर्टकट की वो क्या होती है कंट्रोल के साथ में एपोस्ट्रोफ बटन का आपको क्या है यूज करना है भाई। आगे चलते हैं यहां पे,
आगे देखो सभी बच्चे मुझे बताएंगे अगला आपकी शॉर्टकट की, आपको बताना है सेल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि भाई सेल फॉर्मेटिंग की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होने वाली है। सेल फॉर्मेटिंग का मतलब अगर आपको क्या सेल को वहां पे बदलना है, कोई भी आपने टेक्स्ट या डेटा लिख रखा है तो बता दीजिए कि भाई सेल फॉर्मेटिंग की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होगी। देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही यहां पे आंसर कौन करता है भाई। सभी बच्चे जवाब करेंगे भैया कि सेल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होने वाली है। अंकिता ने यहां पे ऐप टू जवाब दिया है। सभी बच्चे बताएंगे क्या क्लास एकदम सही चल रही है क्या या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। सभी बच्चे आंसर करो क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है या क्लास एकदम सही चल रही है। सभी बच्चे बताओ क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या या क्लास एकदम सही चल रही है। आपको बताना है भैया शॉर्टकट की, मैंने आपको पूछा है सेल फॉर्मेटिंग की यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी है। सभी बच्चे जवाब दो भाई। आकांक्षा ने यहाँ पे जवाब दिया कंट्रोल प्लस एक, सोनपाल भाई ने यहाँ पे जवाब दिया है कंट्रोल प्लस एक, आकाश कह रहा है ओके है सर कोई बात नहीं, फिर अगर ओके है तो फटाफट भाई चलते हैं आगे। मोना कह रही है सही चल रही है ठीक है ओके। फिर भैया सेल फॉर्मेटिंग की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होगी भाई, सेल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल प्लस वन होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस वन होती है। जबकि सेल को आपको क्या अगर एडिट मोड के अंदर लाना है, सेल को क्या है एडिट मोड में लाना है तो उसकी शॉर्टकट की है वो एफ टू होती है। ठीक है आगे उसके बारे में हम क्या है चर्चा करने वाले भाई। आगे देखो आप बता दीजिए कि इंसर्ट सेल यानी आपको क्या है यहाँ पे कोई नई सेल है वो इंसर्ट करनी है, नई सेल लेके आनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। भैया नई सेल आपको इंसर्ट करनी है, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि यह मान लो आपकी क्या है सीट है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे आपने कुछ डेटा डाल रखा, यहाँ पे मान लो आपने एक नई सेल लेके आनी है, दो की जगह आपको क्या है एक नई सेल इंसर्ट करनी है तो नई सेल को इंसर्ट करने की यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे आंसर करो यहाँ पे। सोनपाल भाई ने सबसे पहले जवाब दिया कंट्रोल के साथ में प्लस यूज करेंगे, आकाश ने जवाब दिया कंट्रोल के साथ में प्लस यूज करेंगे। सभी बच्चों का बिल्कुल सही आ रहा है भाई, कंट्रोल के साथ में क्या यूज करेंगे प्लस बटन यहां पे यूज करेंगे। अब मुझे बता दो किसी भी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होगी भाई। देखो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पहले तो हमने क्या है पढ़ रखी है, फिर से हम क्या है हमारा रिवाइज चल रहा है, इसलिए सभी बच्चे आंसर करते रहो फटाफट। सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। आकाश ने यहां पे सबसे पहले जवाब दिया कंट्रोल के साथ में माइनस बटन यूज करेंगे। मोना ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया कंट्रोल के साथ में माइनस यूज करेंगे भाई। सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा भाई। अगला बता दो फिल डाउन की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी। फिल डाउन का मतलब होता है मान लो यहां पे आपने क्या है कुछ डेटा डाला है, यहां पे दो सेल है, एक में आपने एक डाला है दूसरी में दो डाला है, यानी आपको क्या है यहां पे एक की यहां पे आपको टेबल बनानी है तो इस टेबल को बनाने के लिए आपने क्या है नीचे जितने भी सेल है इनको आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या है एक शॉर्टकट की यूज करनी है जिसे हम कहते हैं फिल डाउन करना। इसे हम क्या कहते हैं फिल डाउन करना। तो सभी बच्चे फिल डाउन की यहां पर क्या है शॉर्टकट की बता दो। सोनपाल भाई ने यहां पे क्या है कंट्रोल डी जवाब दिया है भाई, आकाश ने कंट्रोल डी जवाब दिया, आकांक्षा ने यहां पे कंट्रोल डी जवाब दिया। सभी का क्या है एकदम राइट आ रहा है, सभी बच्चों का क्या है एकदम है राइट है। क्या होगी हमारे शॉर्टकट की कंट्रोल डी होगी। क्या होगी भाई कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की होगी। अगला हमारा आपको बताना है टू प्रीवियस सीट। भैया कह रहा है टू प्रीवियस सीट यानी पिछली सीट पे जाना है। मान लो आपने यहां पे क्या है दो से तीन सीट यहां पे ऐड की है, मान लो सीट नंबर ये एक है और यहां पे अगली है सीट नंबर दो, आपको क्या करना है प्रीवियस यानी पिछली सीट पे जाना है तो पिछली सीट पे जाने की शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे मुझे बताएंगे अगर आपको क्या है दो नंबर से एक नंबर सीट पे डायरेक्ट जाना है शॉर्टकट की के द्वारा तो उसकी बता दो। देखो यहां पे ध्यान में रखना फिल डाउन यहां पे कंट्रोल डी से क्या होता है भाई, राइटर के अंदर क्या होता है कंट्रोल डी से, राइटर के अंदर कंट्रोल डी से किसी भी टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन होती है। क्या होती है डबल अंडरलाइन होती है, जबकि यहां पे क्या होता है भाई कंट्रोल डी से, यहां पे कंट्रोल डी से फिल डाउन होता है। यह आपको क्या है याद रखनी है भाई।
आकाश ने यहाँ पे पेजअप जवाब दिया है, अंकिता ने यहाँ पे पेजअप जवाब दिया है, सोनपाल भाई ने यहाँ पे शिफ्ट प्लस टेप जवाब दिया, मोना ने यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टेप जवाब दिया। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, यहाँ पे मोना ने क्या बिल्कुल सही जवाब दिया, इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टेब होगी, क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे टेब होने वाले है, तो ध्यान रखना भाई। अगला है टू नेक्स्ट स्लाइड, यानी अगली स्लाइड पे जाना है आपको, एक नंबर स्लाइड से आपको क्या है दो नंबर स्लाइड पे जाना है, तो एक नंबर से दो नंबर पे जाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यहां पे यूज करेंगे, सभी बच्चे जवाब करो भाई, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि एक नंबर से दो नंबर स्लाइड पे जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे यहां पे। सोनपाल भाई ने यहां पे सबसे पहले जवाब दिया है कंट्रोल प्लस, यहां पे क्या है टेब जवाब दिया भाई, सभी बच्चे जवाब करो फटाफट, आपका क्या आंसर आना चाहिए, क्योंकि क्लास को हमें क्या है फटाफट कंप्लीट करना है, क्योंकि आगे हमारी क्या फॉर्मूला वाली क्लास अभी तो क्या है बाकी है। मोना ने यहां पे कंट्रोल प्लस टेब जवाब दिया, बिल्कुल भाई मोना ने भी क्या है बिल्कुल यहां पे सही जवाब दिया, कंट्रोल के साथ में हम क्या इस्तेमाल करेंगे टेब का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार फिर से क्या है रिवाइज करवा देता हूं, सेल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल वन होती है, इंसर्ट सेल की यहां पे शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में प्लस होगा, डिलीट सेल की यहां पे शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में माइनस होगी, फिल डाउन की यहां पे शॉर्टकट की कंट्रोल डी होगी, टू प्रीवियस सीट की यहां पे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब होगा, और यहां पे टू नेक्स्ट सीट की यहां पे शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में टैब होगी। तो ठीक है आगे चलते हैं, यहां पे अगले आपको यहां पे क्या है कुछ शॉर्टकट की दी गई है, सभी बच्चे क्या करेंगे भाई आंसर करेंगे, इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है ये सभी, क्या आपकी इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है, ठीक है। इनके अंदर क्या दे रखा आपको, कर्सर को सीट के पहले सेल पे लेके जाना है, यानी आपका जो कर्सर है उसको सीट के सबसे पहली सीट भाई पहली सेल पे क्या आपको लेके जाना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, सभी बच्चे आंसर कर दो भाई। यदि आपको अपने कर्सर को सबसे ऊपर यानी सबसे पहली सेल के अंदर, यानी पहली सेल का मतलब है A1 सेल के अंदर आपको क्या है लेके जाना है, तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। वंदना ने सबसे पहले यहां पे जवाब दिया कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करेंगे, मोना ने होम जवाब दिया है, सोनपाल भाई ने कंट्रोल प्लस होम जवाब दिया है, प्रिया ने यहां पर कंट्रोल प्लस होम आंसर किया, तो बिल्कुल सही जवाब दिया भाई, यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल के साथ में होम बटन का यूज करेंगे, तो ठीक है। अगला देखो ये फटाफट जवाब दे दो, कर्सर को सीट पे डेटा वाले अंतिम सेल पे लेके जाना है, यानी जितना आपने सीट के अंदर डेटा डाल रखा है उसकी सबसे लास्ट वाली यहां पे क्या है सेल के अंदर आपको क्या है अपना कर्सर लेके जाना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, सभी बच्चे फटाफट जवाब कर दो भाई। वंदना ने सबसे पहले यहां पर जवाब दिया कंट्रोल प्लस एंड बटन का यूज करेंगे, प्रिय ने यहां पे जवाब दिया है कंट्रोल के साथ में एंड बटन यूज करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है भाई, कंट्रोल के साथ में हम क्या है यहां पे एंड का यूज करेंगे भाई, ठीक है। अगला है यहां पे कर्सर को वर्तमान पंक्ति के प्रथम सेल पे लेकर जाना है, यानी आपको क्या है कर्सर को वर्तमान पंक्ति के प्रथम सेल पे लेकर जाना है, इसके कहने का मतलब है थोड़ा बता देता हूं यहां पर ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, कि मान लो आप यहां पे अपना कर्सर लेके बैठे हो यानी दूसरी पंक्ति के अंदर हो है, आपको क्या करना है इस दूसरी पंक्ति की सबसे पहले वाली यहां पे सेल है ना वहां पे क्या अपने कर्सर को लेके जाना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। तो यहां पे वंदना ने होम जवाब दिया, सोनपाल भाई ने यहां पर होम जवाब दिया है, यहां पे देखो जिस बच्चे ने यहां पे क्या है होम जवाब दिया ना उसका बिल्कुल यहां पे क्या है राइट आंसर है भाई। अगली शॉर्टकट की आपको बताना है कर्सर को किसी भी पंक्ति में डेटा वाले अंतिम सेल पे, मान लो अब क्या करना है आपको कर्सर को सबसे लास्ट वाले यहां पे सेल में लेके जाना है किसी पंक्ति में, तो उसकी शॉर्टकट की यहां पर क्या होगी भाई, फटाफट जवाब दो भाई। आकाश ने यहां पर एंड जवाब दिया है, वंदना ने यहां पे एंड जवाब दिया, प्रिया ने यहां पे होम जवाब दिया, तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, एंड बटन होगा, अगर पहले लेके जाना है किसी भी पंक्ति में पहले लेके जाना है तो होम हो जाएगा, पंक्ति में सबसे लास्ट में लेके जाना है तो क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। अगला है वर्तमान कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होगी,
यानी कि लिब्रे ऑफिस केएलसी के अंदर आपको वर्तमान क्या भैया, जो वर्तमान कॉलम है इस कॉलम के आपको क्या है विड्थ को बढ़ाना है, यानी विड्थ को बढ़ाने की शॉर्टकट की यहां पे क्या होगी, सभी बच्चे आंसर करेंगे भैया विड्थ को बढ़ाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। वंदना ने यहां पे सबसे पहले जवाब दिया एल्ट के साथ में हम क्या राइट एरो को दबाएंगे, आकाश ने कहा एल्ट के साथ में लेफ्ट एरो यूज करेंगे, सोनपाल भाई ने यहां पे जवाब दिया एल्ट के साथ में यहां पे राइट एरो, तो यहां पे देखो हम क्या यूज करेंगे भैया एल्ट के साथ में यहां पे इस तरह पे राइट एरो यूज करेंगे तो किसी भी यहां पे सेल की है वो यानी किसी कॉलम की है वो विड्थ क्या है बढ़ जाएगी। अगला है आपको विड्थ को घटाना है, अगर इस विड्थ को घटाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, फटाफट जवाब करो भाई, किसी भी कॉलम की विड्थ को घटाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, या इसका उल्टा हो जाएगा सबको पता है एल्ट के साथ में हम क्या यूज करेंगे, एल्ट के साथ में हम यहां पे लेफ्ट एरो यूज करेंगे, एल्ट के साथ में यहां पे लेफ्ट एरो यूज करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, कर्सर को सीट के सबसे पहले सेल पे लेके जाना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस होम होगी, और जितना हमने यहां पे डेटा डाल रखा है उसकी सबसे लास्ट वाले सेल पे लेके जाना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंड होगी, कर्सर को वर्तमान पंक्ति के प्रथम सेल पे लेके जाना है तो उसकी शॉर्टकट की होम बटन को यूज करेंगे, कर्सर को किसी पंक्ति में डेटा के अंतिम सेल पे लेके जाना है तो उसके लिए हम एंड का यूज करेंगे, और वर्तमान कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होगी भाई एल्ट के साथ में, यहां पे हम क्या है यहां पे हम एल्ट के साथ में राइट एरो का यूज करेंगे, और वर्तमान कॉलम की चौड़ाई को घटाने के लिए हम एल्ट के साथ में लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। भाई आगे चलते हैं, अगले आपको बताना है कि वर्तमान पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होगी, यानी आपको क्या है किसी भी यहां पे पंक्ति की क्या हाइट को बढ़ाना है, यानी बात कर रहा है हाइट को क्या है हमको बढ़ाना है भाई, मान लो ये आपकी कोई रो है इस रो की आपको क्या है हाइट को बढ़ाना है तो रो की हाइट को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे भाई, सभी बच्चे जवाब करो फटाफट, क्या है आपको आंसर यहां पे करना है ताकि क्लास फटाफट कंप्लीट कर सके हमें, फटाफट जवाब कर दो भाई। वंदना ने यहाँ पे एल्ट के साथ अपेरो जवाब देते हो, देखो आपको क्या है हाइट को बढ़ाना है, हाइट को क्या है यहाँ पे बढ़ाना है तो हाइट को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या होगी एल्ट के साथ में पेज डाउन का यहाँ पे क्या है यूज करेंगे भी, एल्ट के साथ में यहाँ पे डाउन एरो का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे एल्ट के साथ में डाउन एरो का यूज करेंगे। अगला आपको बताना है भाई वर्तमान पंक्ति की ऊंचाई को घटाना है, यानी इसकी हाइट को आपको क्या वापस कम करना है तो हाइट को कम करने की शॉर्टकट की क्या होगी, सभी बच्चे बताएंगे हाइट को कम करने की शॉर्टकट की यहां पे क्या होगी, एल्ट के साथ में यहां पे किसका यूज करेंगे भाई एल्ट के साथ में यहां पे अप एरो का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे एल्ट के साथ में अप एरो का यूज करेंगे। अगला आपको बताना है कि पहली पंक्ति से लास्ट पंक्ति में जाने की शॉर्टकट की क्या होगी, यानी पहली पंक्ति से आपको क्या जाना है सबसे लास्ट वाले पंक्ति में, यानी आपको क्या करना है अब सीट में आपको पता होगा भाई आपकी जो सीट होती है इस सीट के अंदर टोटल कितनी रो होती है सभी को पता है भाई, पहले यहां पे एक नंबर रो और सबसे लास्ट वाले रो होती है 10,48,576 रो होती है, आपको क्या करना है एक नंबर रो से डायरेक्ट आपको कहां पे जाना है 10,48,576 नंबर रो पे डायरेक्ट आपको जाना है तो उसकी शॉर्टकट की यहां पे क्या है आपको बतानी है, देखते हैं इस शॉर्टकट की को आप में से कौन बता पाता है भाई, सभी बच्चे बताएंगे कि भैया अगर आपको एक नंबर रो से डायरेक्ट आपको 10,48,576 नंबर रो पे जाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। सोनपाल भाई कह रहे हैं कंट्रोल के साथ में एंड बटन यूज करेंगे, आकाश कह रहा है एल्ट के साथ में शिफ्ट प्लस एंड, अंजु ने यहां पे जवाब दिया है पेज डाउन का प्रयोग करेंगे, आकाश ने यहां पे एल्ट के साथ में शिफ्ट प्लस एंड का यूज करेंगे, प्रिया ने यहां पे जवाब दिया कंट्रोल के साथ में एंड यूज करेंगे, अभी तक तो किसी बच्चे का सही आया नहीं है, अभी तो किसी बच्चे ने सही यहां पे जवाब दिया नहीं है तो फटाफट सभी बच्चे आंसर करो, तो देखो इसका मैं ही बता देता हूं यहां पे सही आंसर क्या होगा भाई, कंट्रोल के साथ में आपको क्या यूज करना है कंट्रोल के साथ में यहां पे डाउन एरो यूज करना है, कंट्रोल के साथ में आपको क्या यूज करना है कंट्रोल के साथ में यहां आपको डाउन एरो यूज करना है भाई।
अगला देखो यहां पे, पहले कॉलम से भाई आपको पहले कॉलम से सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाना है, यानी आपको क्या है, ए कॉलम से सबसे लास्ट वाला कॉलम कौन सा होता है भाई, एक्स एफ डी कॉलम होता है। आपको पता होगा कि नए अपडेट के अंदर आने के बाद में 16,384 कॉलम हो गए हैं और लास्ट वाला जो कॉलम है उसका नाम एक्स एफ डी है। आपको ए नंबर कॉलम से डायरेक्ट कहां पे जाना है, एक्स एफ डी पे जाना है, तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे, फटाक से जवाब करो भाई। सभी बच्चे बताएंगे कि भैया आपको पहले कॉलम से लास्ट कॉलम में जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, फटाफट जवाब दे दो सभी बच्चे। सोनपाल भाई ने सबसे पहले जवाब दे दिया, कंट्रोल के साथ में हम क्या है राइट एरो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, कंट्रोल के साथ में हमें राइट एरो का यूज करेंगे। तो देखो आगे दो वाले आप अपने आप बना लेना भाई, आपको अगर सबसे लास्ट वाली पंक्ति से सबसे पहली पंक्ति के अंदर जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, उसकी शॉर्टकट की होती है भैया कंट्रोल के साथ में अप एरो होती है, और सबसे लास्ट वाले कॉलम से वापस आपको क्या है पहले कॉलम पे आना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी भाई, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो हो जाएगी। तो ये भी क्या है साथ में ध्यान रख लेना भाई। आगे चलते हैं अगली, यहां पे आपको क्या है कुछ जनरल फॉर्मेटिंग की, यहां पे फॉर्मेटिंग की आपको क्या है कुछ शॉर्टकट की दी गई है, फटाफट क्या है इनका आंसर कर दो भाई। फॉर्मेटिंग की सभी शॉर्टकट की का फटाफट क्या है आंसर कर दीजिए, यहां पे सभी बच्चे फॉर्मेटिंग की सभी शॉर्टकट की का क्या करेंगे यहां पे आंसर करेंगे। आपको बताना है कि भैया जनरल फॉर्मेटिंग की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी, सभी बच्चे मुझे बता दीजिए कि जनरल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। यहां पे देखो अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, जैसे अपने आप जो फॉर्मेटिंग आती है ना, यहां पे देखो मैं थोड़ा बता देता हूं आप समझ जाओगे। यहां पे मान लो कुछ संख्या आ रखी है, जैसे यहां पे 5 आ रखा है, यहां पे 8 आ रखा है, यहां पे 7 आ रखा है, यहां पे 6 आ रखा है, तो यहां पे देखो करेंसी, यहां पे देखो परसेंटेज फॉर्मेट क्या होता है कि इन सभी संख्याओं के आगे परसेंटेज लग जाता है भाई, क्या लग जाता है परसेंटेज लग जाता है। और यहां पे करेंसी फॉर्मेट क्या होता है कि भैया इनके साथ में करेंसी का चिन्ह लग जाता है, जैसे यहां पे रुपए का साइन हो गया, यहां पे डॉलर का साइन हो गया, वो क्या है यहां पे करेंसी फॉर्मेट आ जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के यहां पे क्या कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, आपको बताना है कि भाई जनरल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी जनरल जहां पे संख्या आती है। तो यहां पे देखो ये सभी के सभी शॉर्टकट के ना, एक बात में अगर आपको मैं बताऊं तो सभी के सभी शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में यूज होती है, सभी के सभी क्या है यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में यूज होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, यहां पे क्या होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट होगा, इसकी भी यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट होगा, और यहां पे भी क्या होगा भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट होगा, ठीक है ना। अब सभी बच्चे मुझे बता दीजिए कि भैया यहां पे क्या यूज करेंगे, यहां पे क्या है चेंज होने वाला है, यहां पे आगे इन सभी के अंदर चेंज होने वाला है, तो सभी बच्चे फटाफट आंसर कर दो, सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे यहां पे। जनरल फॉर्मेटिंग की देखो यहां पे जो शॉर्टकट की होते हैं ना, वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहां पे क्या है सिक्स का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भाई सिक्स का यहां पे यूज करेंगे। अगला है नंबर फॉर्मेटिंग, तो भैया नंबर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की यहां पे क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहां पे क्या आएगा एक आएगा भाई। नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है, संख्याओं में इस प्रकार से हो जाती है भाई, अगर कोई संख्या 5 है तो नंबर फॉर्मेटिंग यूज करोगे तो वही 5.0 यानी दशमलव का इसके अंदर क्या है यूज होता है। और अगली है यहां पे हमारी परसेंटेज फॉर्मेटिंग, तो परसेंटेज फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। और करेंसी फॉर्मेट की यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 होती है, कितनी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 होती है। और अगली जो डेट फॉर्मेटिंग है ना, इस डेट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहां पे क्या आएगा 3 आएगा। और यहां पे देखो जो साइंटिफिक फॉर्मेटिंग है ना, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहां पे 2 होगी, कितनी होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होगी। तो ये आपको क्या है यहां पे ध्यान में रखनी है, ये सभी की सभी जनरल फॉर्मेटिंग के शॉर्टकट की आपको ध्यान में रखनी है भाई। आगे चलते हैं,
अगले आपको बताना है सेल को एडिट मोड के अंदर लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे फटाफट जवाब दे दो भाई, सेल को एडिट मोड के अंदर लाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। फटाफट सभी बच्चे जवाब करो इसका, देखते हैं आप में से कितने सही जवाब कर पाते हैं कि सेल को एडिट मोड के अंदर लाने की शॉर्टकट की क्या होगी। पहले मैंने आपको बताया था कि सेल को फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यहां पे कंट्रोल प्लस वन होती है। तो आप मुझे बता दीजिए कि भैया आपको मुझे बताना है कि यहां पे इसको एडिट मोड की शॉर्टकट की क्या होगी। तो यहां पे वंदना ने F2 जवाब दे दिया, सोनपाल भाई ने F2 जवाब दे दिया, आकांक्षा ने यहां पे क्या है F2 जवाब दे दिया। तो सभी बच्चों का क्या है बिल्कुल यहां पे राइट आंसर आया है। अगला आपको बताना है कि फंक्शन की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे मुझे बता दीजिए कि लिब्रे ऑफिस केएलसी के अंदर फंक्शन की यहां पे शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे जवाब करो भाई कि लिब्रे ऑफिस केएलसी के अंदर फंक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे मुझे क्या बताएंगे भाई, सेल देखो सेल के एडिट मोड की शॉर्टकट की यहाँ पे F2 होती है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग की कंट्रोल प्लस F1 होती है, वन होती है। आपको बताना है फंक्शन की शॉर्टकट की, सभी बच्चे फंक्शन की शॉर्टकट की यहाँ पे बताएंगे भाई। तो यहाँ पे देखो फंक्शन की शॉर्टकट की यहाँ पे क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2 होगी। क्या होगी भाई इसकी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस F2 इसकी शॉर्टकट की होने वाली है। अगला यहां पे आपको बताना है डेट की, भैया आपको बताना है डेट की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे बताएंगे लिब्रे ऑफिस केएलसी के अंदर डेट की शॉर्टकट की क्या होगी। फटाफट जवाब करो, देखते हैं आप में से कौन सही जवाब करता है कि यहां पे डेट की शॉर्टकट की क्या होगी। सोनपाल भाई ने सबसे जवाब दिया कंट्रोल प्लस सेमी कोलन का आंसर, आकाश ने जवाब दिया कंट्रोल प्लस सेमी कोलन। तो यहां पे देखो सही आंसर क्या होगा भाई, कंट्रोल के साथ में हम क्या यूज करेंगे, यहां पे सेमी कोलन का चिन्ह यूज करेंगे। भैया इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम, सेमी कोलन का चिन्ह कहते हैं। थोड़ा बता देता हूं यहां पे भैया, ये जो चिन्ह होता है ना वो किसका होता है, यहाँ पे इसको तो हम कहते हैं भैया कोलन का चिन्ह, क्या कहते हैं कोलन का कहते हैं, और ये जो चिन्ह होता है ना इस प्रकार से इसको हम कहते हैं सेमी कोलन, क्या कहते हैं इसको हमें सेमी कोलन कहते हैं, ठीक है। अगला मुझे बता दीजिए कि टाइम की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी। सभी बच्चे बताओ भाई, गजेंद्र ने सबसे पहले यहां पे जवाब दे दिया है टाइम की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहां पे सेमी कोलन होगा। सोनपाल भाई ने भी जवाब दे दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, वंदना ने भी जवाब दे दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन। सभी बच्चों का क्या है बिल्कुल सही जवाब आ रहा भाई, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा भाई। आगे सभी बच्चे अब आंसर करेंगे कि भैया ऑटो फिल्टर के शॉर्टकट की क्या होती है, कि लिब्रे ऑफिस केएलसी के अंदर ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है। फटाफट जवाब करो सभी बच्चे, आंसर करेंगे कि लिब्रे ऑफिस केएलसी के अंदर ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है। फटाफट आपका क्या है आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमें क्लास को फटाफट क्या है यहां पे कंप्लीट करना है, तो फटाफट आपका आंसर यहां पे आना चाहिए। तो यहां पे देखो ऑटो फिल्टर की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होती है। क्या होती है बेटा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल इसकी क्या है, सही शॉर्टकट की होती है। अगला आपको बताना है ग्रुप की शॉर्टकट की क्या होती है। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि भैया ग्रुप की शॉर्टकट की क्या होती है। ग्रुप देखो पिछली क्लास के अंदर आपको मैं बता चुका हूं कि ग्रुप क्या होता है और अनग्रुप क्या होता है, तो फटाफट यहां पर जवाब कर दो कि भाई ग्रुप की यहां पर शॉर्टकट की क्या होगी, ग्रुप और अनग्रुप की दोनों के साथ में बता दो कि ग्रुप और एन ग्रुप की शॉर्टकट की क्या होगी।
सभी बच्चे फटाफट आंसर करो कि ग्रुप और एन ग्रुप की यहां पे शॉर्टकट की क्या होगी। देखो यहां पे ग्रुप की जो शॉर्टकट की है वो एफ 12 फंक्शन कौन सी होगी, क्या होगी, एफ 12 इसकी फंक्शन कौन सी होगी। लिब्रे ऑफिस के एलसी के अंदर ग्रुप की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ में एफ 12 होती है, ठीक है। और यहां पे देखो एन ग्रुप की जो शॉर्टकट की है ना, एन ग्रुप की शॉर्टकट की यहां पे क्या होगी, एन ग्रुप की यहां पे कंट्रोल प्लस एफ 12 होगी, क्या होगी, कंट्रोल प्लस एफ 12 इसकी शॉर्टकट की होगी। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, सेल की एडिट मोड की शॉर्टकट की एफ 2 होगी, फंक्शन की यहां पे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ 2 होगी, डेट की शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल के साथ में आपको सेमी कोलन का चिन्ह यूज करना है, टाइम की शॉर्टकट की यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन होगा, ऑटो फिल्टर की यहां पे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल होगी, ग्रुप की शॉर्टकट की एफ 12 होगी, और एन ग्रुप की यहां पे शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ 12 होने वाली है, क्या होने वाली है, कंट्रोल प्लस एफ 12 इसकी शॉर्टकट की होगी। गजेंद्र कह रहा है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस जी, भैया वो यहां पे क्या है, इंप्रेस के अंदर होती है, आप जो बता रहे हो ना वो इंप्रेस के अंदर होती है, और अभी जो चल रहा है ना वो लिब्रे ऑफिस केएलसी चल रहा है भैया, ये क्या है, लिब्रे ऑफिस केएलसी की यहां पे क्या है, शॉर्टकट की चलती है। तो यहां पे क्या है भाई, ग्रुप एन ग्रुप की शॉर्टकट की है वो अलग होती है, क्या होती है, अलग होती है। और इसी के साथ में भैया, इसी के साथ में आज की हमारी क्लास फिर से क्या हो चुकी है भैया, खत्म हो चुकी है। तो सभी बच्चे क्या कर देना, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना भैया, फिर से मिलते हैं एक और क्लास के अंदर, तब तक क्या है, बने रहना भाई।